हेलो व्यूअर्स, एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जो बनाने जा रहा हूँ वो है घड़ी रोटी, जिसको और पंजाब में इसको भटूरे बोलते हैं। अलग अलग स्टेट या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है वो होता था एक मलेड़ा करके, जो खमीर होता है जिसको हम खमीर बोलते हैं, मलेड़े को संजो के रखते थे। जैसे हमने आज खाना बनाया, आज जो उसकी रोटी बनाई तो उसमें से थोड़ा सा आटा उसका अलग करके रख लेते थे और उसको वो सूखा लेते थे, आटे के बीच में डाल देते थे, वो सूख जाता था। और उसको तब तक रखते थे जब नेक्स्ट टाइम जब खाना बनाना होता था तो उसको हम पानी में भिगो देते थे, और पानी में भिगोने के बाद उसको आटे के बीच में ऐड करके उसको गूंद देते थे और साथ में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे ताकि आटा ढीला हो जाए, और उसके बाद उसकी रोटी बनती थी। क्योंकि ईस्ट जो होता है एक बैक्टीरिया होता है एक तरह से, तो खाने को फुलावट देता है और इससे खाना अच्छा स्वाद बनता है, उसकी जो रोटी है उसकी जो ट्रेडिशनल रोटी है उसका फ्लेवर बना रहता है। तो यहाँ पर तो मलेड़ा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईस्ट इसका यूज़ कर रहा हूँ, ईस्ट इसका सब्स्टिट्यूट है। और ये आजकल जहाँ पे लोग मलेड़ा नहीं रखते हैं या खमीर नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर ईस्ट से काम लेना पड़ता है, और ईस्ट बहुत बढ़िया, उससे भी अच्छी रोटी बनती है, लेकिन वो ट्रेडिशनल वाला थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तो आइए बना के दिखाता हूँ आपको। एक प्रात में आपको उतना आटा लेना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है कि कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, उसी हिसाब से आपको आटा लेना है। तो उसको आपने ऐसे फैला देना है और बीच में एक जगह बना लेनी है इसके लिए। अब जो ईस्ट है वो किसी भी अच्छी दुकान में मिल जाएगा, आजकल इस तरह की पैकिंग आती है, रॉयल ड्राइड ईस्ट, सूखा ईस्ट यानी खमीर की तरह ही। तो इसको हम लोग खोल लेंगे और इसको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा, इतना सा डालना है जस्ट। और फिर इसमें हमने पानी ऐड कर देना है, और इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब ये ईस्ट घुल चुका है इसमें, तो जो भी आटा है उसको सबको मिक्स कर देंगे और गूंथ लेंगे साथ में। जो पुराना ग्रामीण रहन सहन था वो तो वापस नहीं आ सकता, जिसको हम ग्रांटेड लाइफ बोलते हैं, ग्रांटेड ज़िंदगी, वो तो नहीं आ सकती, लेकिन उन चीज़ों को जिया जा सकता है। जैसे परात की जगह हम कनाड़ा यूज़ करते थे, लकड़ का बना हुआ, वो चीज़ें नहीं मिल सकती अब, कर सकते हैं लेकिन हर जगह पे ये मुमकिन नहीं होता, शहर में रह रहे हों तो फिर तो, लेकिन वो जो खाना होता था उसको हम बना सकते हैं। जैसे जैसे आप गूंदते जाओगे ये इकट्ठा होता जाएगा आटा। पहले के दिनों में क्या होता था कि टाइम होता था लोगों के पास, और जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते थे उसमें काफी टाइम लगा के करते थे, पहाड़ी में बोलते हैं कि बत्तर लगा के करना है, तो वो टाइम लगा के जितना उसमें पानी रचाते थे धीरे धीरे से, और रोटी उतनी ही स्वादिष्ट बनती थी। अभी जल्दी जल्दी में लोग काम करते हैं फटाफट और रोटी निकाल लेते हैं, तो वो स्वाद नहीं आता। तरह से आटा सॉफ्ट होता जाएगा और जितना सॉफ्ट होता है उतनी ही रोटी अच्छी बनेगी।
थोड़ी सी कसर बाकी है, हाथ लगाने से लग जाएगा पता कि आटा हुआ है अभी रेडी है नहीं हुआ है। आटा सॉफ्ट हो चुका है और ये रेडी है रोटी बनाने के लिए। अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि आटा थोड़ा ढीला हो जाए और उसके बाद से रोटी बनेगी। तो ये आटा रेडी है, अब हम बनाएंगे गढ़ी हुई रोटियां। इसके पेड़े थोड़े बड़े बड़े बनते हैं क्योंकि रोटी थोड़ी मोटी होती है। गांव में जब बनाते थे तो गांव में होती है चंगेर। चंगेर एक तरह का बांस से बना हुआ एक बर्तन होता है, बड़ी सी परात समझ लीजिए, और उसमें चादर डाल के फिर उसमें रोटियां बना बना के डालते जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे चंगेर नहीं है तो मैंने एक सीट यूज़ की है और उसके ऊपर ये डाल दूँगा चिपके ना, इसलिए मैं थोड़ा आटा लगा रहा हूँ इसमें ऐसे करके। एक चीज़ मैंने बताया नहीं आपको कि इसमें अजवाइन भी डलती है और अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह से हम एक एक करके रोटी बनाते जाएंगे और बाद में इसको तवे के ऊपर बनाएंगे पकाएंगे। इसको पकाने का एक और तरीका होता है, फ्राई करते हैं जैसे कोई फंक्शन आता है ब्याह शादियों में जो, तो उसमें इसको तल के निकाला जाता है और जो बिना तले होते हैं उनको आखिरी रोटी बोलते हैं कि जो बिना तली होती है सादी रोटी जिसको बोलते हैं। ये खाना काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि गांव में काम भी बहुत होता था तो पचा भी लेते हैं इसको आराम से। और इस तरह से रोटियां बन जाती हैं।
ये सब बनाते हुए मम्मी को देखा और कई बार उनके साथ लग के रोटियां बनाई भी हैं और तली भी हैं, आखिरी रोटियां भी निकाली हैं। आखिरी रोटी जो चूल्हे की आग है उसमें बहुत बढ़िया बनती है, और बाकी तली हुई रोटी तो कढ़ाई में तेल में तल के बनती है। इस तरह करके एक एक करके सारी रोटियां हम बना लेंगे। रेडी हो रही है, इसको प्रॉपर बनाने का तरीका ये होता है कि रात को आटा गूंद के रख देते हैं और सवेरे या फिर रात को ही रोटियां बना के रख देते हैं और सवेरे उनको पका लेते हैं, उससे आटे को ढीले होने में टाइम मिल जाता है और वो अच्छे से बनती है। अभी जो रोटियां बनी है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, टाइम के हिसाब से टाइम भी कम कर लिए अभी निकाल लेते हैं। यीस्ट भी टाइम लेता है। इनको आग पे पकाना है, चूल्हे पर इनकी बात नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से ये रोटी तैयार है, इसको अम्बुए के साथ सर्व करेंगे और ये 12 महीने खाई जा सकती है, पौष्टिक रहती है, इनको खाने वाले का कभी पेट भी खराब नहीं होता और ये मैक्सिमम हमारे टाइम पे हर घर में बनती थी। अब का पता नहीं, अब लोग चपातियाँ ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन एक टाइम था जब घड़ी रोटी या फिर आगे भटूरे बहुत चलते थे। तो दोस्तों ये है घड़ी हुई रोटियाँ जिनको भटूरे बोलते हैं। गांव में जो बनती हैं वो थोड़ा सा टाइम लगा के बनाते हैं तो इसलिए और अच्छी बनती हैं। इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली बार बनाई हैं, इनको बनते हुए देखा है, रोटियाँ बनाई भी हैं लेकिन सिर्फ हेल्प के तौर पर, खुद पूरी तरह से नहीं बनाई है, ये पहली बार बना रहा हूँ। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।